लॉजिक गेट्स नाम बहुत सही है, क्योंकि किसने रखा तो सोच के रखा है, एक ऐसा गेट है जो किसी लॉजिक से खुलता है। लॉजिक गेट मतलब ऐसे नहीं है कि तुमने बस मंत्र पढ़े और ये खुल गया, ऐसा नहीं होगा। ये बेसिकली एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको लगता है कि इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये सिग्नल को बाहर जाने देगा, नहीं तो ये सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। सिंपल है। तो अगर मान लो सपोज करो लॉजिक गेट्स की एप्लीकेशन, तुमने देखा होगा LEDs डिस्प्ले होती हैं, ऐड चलती है बाहर मार्केट में, देखो कहीं भी जाओ रनिंग पैनल चल रहे होते हैं, न्यूज़ एकदम दौड़ रही होती हैं, तो अंदर वो न्यूज़ किस पे है, बल्ब जलते हैं, वो बल्ब LED जलती है, लाल रंग की होती है जिसपे पूरा पैनल चल रहा होता है, अंदर पूरा कंट्रोलर लगा होता है जो कंट्रोल करता है, जो भी आप टाइप करते हो वो समझ के उसको डिस्प्ले करता रहता है। तो मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे सपोज आपके पास ये LED पैनल है, ये देखो LED लगी हुई हैं, ये रही LED, ऐसे अगर आप बहुत ध्यान से देखो आपको LED ऐसी दिखेंगी लगी हुई, ऑन नहीं होंगी। मान लो तुमने इसमें डिस्प्ले करना है, तुमने इसमें मान लो 8 डिस्प्ले करना है, 8, तो तुम देखेंगे ये जो LEDs हैं ये ऑन हो जाएंगी, ऐसी कुछ 8 भी ऐसे ही बनता है, गोल नहीं बनता, तो ऐसा सा कुछ 8 बनता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये LEDs ऑन हो जाती हैं, और फिर अगर रनिंग पैनल है तो ये ऑफ ऑन करके पूरा लगता है कि न्यूज़ चल रही है। अब बेसिकली इसको कैसे पता कि मुझे ऑन होना है, अंदर कोई तो कुछ समझ रहा है आपकी बात को, तो इंसान की बात को मशीन समझ रही है कि मेरे को 8 डिस्प्ले करना है, और अंदर वो मशीन के अंदर लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं जो बात को समझते हैं, जो इंस्ट्रक्शन लेते हैं, और लॉजिक गेट्स समझ लेते हैं कि इन इन LEDs को ऑन करना है, तो गेट को ओपन कर देंगे, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, तभी तो फटाफट न्यूज़ चलती है। तो मतलब और भी चीज़ें लगती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ LED लगती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गेट्स लगे होते हैं, वो गेट सिग्नल को अलाउ करते हैं कि सिर्फ इन इन LEDs तक वो सिग्नल पहुंचे, बाकी ऑफ हो जाए। तो इसलिए इसका नाम है लॉजिक गेट्स, क्योंकि लॉजिक है 8 डिस्प्ले करना है तो 8 ही डिस्प्ले करना है, उसमें 9 नहीं डिस्प्ले करना। तो देखो लॉजिक है इसके पीछे, तो लॉजिक है, उस लॉजिक को यूज़ करके ये LED को ऑन करेगा। तो यहाँ पर गेट्स काम आते हैं। आपकी हर डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितनी भी आप देखते हो, सब में गेट्स से बनी हुई हैं, अंदर कहीं ना कहीं गेट तो यूज़ होता ही होता है, और बहुत इसमें कंपोनेंट्स हैं, IC यूज़ होते हैं, IC वो नाम भी होते हैं IC के, पर IC के अंदर इतने IC होते हैं, उसके अंदर गेट्स भी होते हैं। गेट्स ऐसा है, सोचो कि गेट इतना बड़ा गेट दिखेगा, अब गेट तो आपको इतना दिखेगा अभी नहीं, इतना छोटा गेट है, मतलब मोबाइल के अंदर इतने इक्विपमेंट्स हैं, आप जेब में लेके घूम रहे हो, आप खुद नहीं सोच पाओगे, एक बहुत ज़बरदस्त मशीन ही मोबाइल बना सकती है, इंसान तो उसको बना के मोबाइल बना भी नहीं पाएगा, इतनी छोटी जगह में स्पेस को यूज़ किया हुआ है। तो अंदर ये सब इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उनमें से एक कंपोनेंट है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स करने से पहले एक सिस्टम है लैंग्वेज का, भाषा का। हमें जब काउंटिंग सिखाई जाती है तो इंसान को काउंटिंग 0 से 9 तक सिखाई जाती है, बच्चा है छोटा तो लिख के दिखा 0 से 9, फिर धीरे लिख के 2 10 10 बार लिख ही जाएगा, 0 से 9 ही लिख ही जाएगा, फिर एक बार बड़ा हो जाएगा 0 से 100 लिख के दिखा, उसी नंबरों को 9 10 नंबरों को घुमा घुमा के 100 की काउंटिंग, 100 की काउंटिंग, 100 बार, शायद 1000 बार लिखवाया जाता छोटे बच्चे से, भाई तो लिख ले 0 से 100 कैसे लिखते हैं। ठीक, तो बेसिक नंबर समझ में आ जाते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हैं, ऐसे लॉजिक है। और हमारे जो नंबर सिखाए जाते हैं 0 से 9, हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उस नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 10 नंबर होते हैं। लेकिन मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर, वो सिर्फ 2 ही नंबर को पहचानती हैं, 0 और 1, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सिर्फ 2। मतलब मशीन को कुछ भी समझना है वो 0 और 1 की भाषा में समझती है, बात खत्म। तो कुछ भी बोल लो, इंग्लिश लिख लो, वो तो भी 0 1 में तोड़ लेगी उसे, उसको भाषा ही 0 1 की समझ में आती है, और 0 1 भी समझ नहीं आती है एक्चुअल में। 0 1 तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रखा है, एक्चुअल में तो ये वोल्टेजेस हैं, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है। तो 1 का मतलब हाई वोल्टेज है, क्योंकि चलेगी तो बिजली से ना, 0 1 नाम की चीज़ क्या है, वो तो बिजली के वोल्टेज हैं, तो किसी जगह पर वोल्टेज हाई है किसी पर लो है, हाई का मतलब 1, लो का मतलब 0, ऐसे पढ़ा जाता है। तो अब इसके अंदर होता क्या है, तो जो नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं उसका नाम डेसिमल है, और जो मशीन पढ़ती है वो बाइनरी है। अगर मैं मशीन को कहूँ कि भाई मेरा नंबर डिस्प्ले कर 23, कंप्यूटर को नहीं पता भाई ये 23 नाम की क्या चीज़ है, तो कंप्यूटर पहले क्या करेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको पहले कुछ प्रोसेस करेगा और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा 0 1 1 0 1 0 की फॉर्म में। तो जो मेरा नंबर है उसको यहाँ पैर में 10 लिखो,
10 का मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, और जो नंबर मशीन समझेगी उसके पैर में 2 लिखो, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल को बाइनरी में, इसके लिए आप एक नंबर लिखें 23, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। आप मशीन क्या करती है, इसको 2 से डिवाइड कर देती है, 2 से डिवाइड करके 11 आता है, रिमाइंडर 1 है, फिर 2 से डिवाइड करती है 5, रिमाइंडर 1 है, फिर 2 से डिवाइड करती है 2, रिमाइंडर 1 है, फिर 2 से डिवाइड करती है 1, रिमाइंडर 0 है, फिर 2 से डिवाइड करती है 0, रिमाइंडर 1 है। तो तब तक डिवाइड करती है जब तक ये नंबर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। तो सारे रिमाइंडर इकट्ठे कर लिए, फिर इन नंबर्स को उल्टा लिखती है 10111। तो मशीन के लिए 10111 का मतलब 23 नंबर है, वो ये स्टोर करके रखेगी। मैं उसको नहीं पता 23 नंबर है, उसको 1001 पता है बस। ये पहला काम आपकी मशीन करती बहुत फास्ट है। आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं और साथ के साथ कर देती है, तभी तो हाई प्रोसेसर हैं इस टाइम, इतने हाई प्रोसेसर हैं, मतलब आप काम टाइप पहले करोगे, कंपाइलर इतने फास्ट हैं कंप्यूटर के, फटाफट इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ तक यही तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है जो सिखाती है मशीन लैंग्वेज कैसे काम करती है, मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, ये इंजीनियरिंग का पार्ट है। वो क्या भाषा समझती है, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स सिखाने का काम ही कंप्यूटर इंजीनियर है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक, तो ये काम करेगी। जैसे सपोज कोई कहता है कि मेरा नंबर जो है 15 है, तो मेरा नंबर 15 डेसिमल है और मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो 7, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करो 3, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करो 1, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करो 0, रिमाइंडर 1। तो आप इन नंबर को यहाँ पुट कर दो 1111 आंसर। तो ऐसा कुछ मशीन करती है। अब अगर किसी को ये मेथड पसंद नहीं आया तो एक और भी टेक्निक है मेरे पास। जैसे आपका फिर से नंबर 23 है और आपको इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो अब एक काम करें, 2 की पावर 0 लिखें, 2 की पावर 1 लिखें, 2 की पावर 2 लिखें, 2 की पावर 3 लिखें, 2 की पावर 4 लिखें, 2 की पावर, लिखते जाएं। कब तक लिखें? आप देखें आपका नंबर 23 है। अगर आपका नंबर 23 है तो इसका मतलब क्या है 8, इसका मतलब क्या है 16, इसका मतलब 32, 32 तो ऊपर हो गया ना 23 से। अब मत लिखें, इसे ना लिखें, तो आप वहाँ तक लिखें आपके नंबर के इक्वल या उसके कम नंबर तक आपका ये नंबर बन जाए। 32 तो एक्सीड हो गया, छोड़ दो, नहीं लेना। तो लास्ट नंबर क्या आएगा यहाँ पर 16। तो अब आपने इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है कि टोटल सम 23 बन जाए। जैसे स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, इसकी इसकी वैल्यू कितनी है 16, 16, 16 को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या ऐड करेंगे 23 बन जाए। नेक्स्ट है 8, अब 16 और 8 कितने हुए 24, तो ये तो नहीं सेलेक्ट होगा, नहीं होगा, मत करें इसे सेलेक्ट क्योंकि ये एक्सीड कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है 4, हाँ सेलेक्ट कर लो क्योंकि 4 का मतलब है यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 का मतलब है कि 16 और 4 20, सही है। 20 प्लस 2 कितना हो गया 22, प्लस 1 क्या हो गया 23 बन गया, मतलब ये सिलेक्टेड है और ये रिजेक्टेड है। जो सिलेक्टेड है उसका मतलब 1 और जो रिजेक्टेड है 0, 1 1 1, सेम आंसर। जो सिलेक्ट हो गए 1 कर दो, जो रिजेक्ट हो गए वो 0 कर दो, लेको आंसर सेम आ गया 1 0 1 1 1। तुम ऐसे बनाना चाहो, तुम डिवाइड करना चाहो, तुम्हारी इच्छा है। तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम है जो कि आ सकती है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि क्या रूल है? वैसे 2 से डिवाइड करते जाओ आंसर आ ही जाएगा, टेंशन ही खत्म है। ठीक है यहाँ तक, लेकिन आपको उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपके पास मशीन की लैंग्वेज है 10111 और आपको अपनी लैंग्वेज में समझना है डेसिमल में, तो क्या करें? तो तुम एक नंबर लिखो, इस नंबर के नीचे लिखो 2 की पावर 0, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, 1 × 2 की पावर 0 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करो 1 × 2 की पावर 1 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करो 1 × 2 की पावर 2 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करें 0 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 4। करने की जरूरत नहीं है, आंसर पक्का 23 ही आएगा आंसर। तो 2 की पावर लिखना शुरू करें 0 1 2 3 4, तो जो जो डिजिट्स आपको गिवन होंगे उसके नीचे 2 की पावर 0 1 2 3 4 लिखना शुरू करें, मल्टीप्लाई करते जाएं और सबको ऐड कर दें, आपका आंसर सेम आ जाएगा।
कोई डाउट है इसमें? तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, आई होप ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये एक टाइप की प्रॉब्लम हो गई। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ गेट्स। गेट्स कहाँ काम आते हैं, क्योंकि गेट्स भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। इसको भी जो भाषा समझ में आती है वो जीरो और वन की आती है बस, क्योंकि है तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स ही, तो ये इसको जो लैंग्वेज है जीरो और वन की ही समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है मैंने बता दिया, और बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट्स नहीं बोलते, इसको बिट बोलते हैं। जीरो और वन बिट्स हैं, बिट। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी या बाइनरी इनटू डेसिमल, ये चीज़ हमने ऑलरेडी की हुई है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये कर ली। जब आप एक नंबर लिखते हैं 10111, तो जो आखिरी डिजिट है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, LSB, और जो ये जो नंबर है इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं लेफ्ट वाला, दैट इज MSB, LSB, MSB, राइट। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद दो किस्म के सिग्नल्स हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग सिग्नल कैसा होता है, ऐसा होता है जो टाइम के साथ अपनी वैल्यूज को चेंज करता रहता है, जैसे AC वोल्टेजेस चेंज हो रही हैं, मान लो 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, फिर -5, इस तरीके से वोल्टेज चेंज हो रही है। हर इंस्टेंट पर वोल्टेज को चेंज करे वो एनालॉग सिग्नल है, और डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल है, दो वैल्यूज रखता है, या 0 या 1। तो मान लो या तो इसकी हाई वोल्टेज होगी या बिल्कुल लो होगी, मतलब बीच में फ्रैक्शन तो होगा ही नहीं ना, या तो 0 होगा या 5 वोल्ट होगा, 4.5 3 वोल्ट नहीं होगा। तो 5 वोल्ट है, 0 है या 0 है या 5 है, बस दो ही वोल्टेजेस हैं। और आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है वो ये भाषा समझती है, वो नहीं समझती। और अगर आप एनालॉग समझाते भी हैं, आपके सिग्नल सारे एनालॉग हैं, तो वो क्या करती है, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करती है, डिजिटल में। तो मतलब जैसे आप कहोगे सिर्फ ABC कैसे समझती है, आप कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखेंगे, अगर आप A टाइप करते हैं, A का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज में फीड हो रखा है, उसको A नहीं समझ में आता, उसको मान लो A का मतलब है मान लो कुछ और नंबर समझ में आता है, वो नंबर को 2 से डिवाइड करती है। आप ये प्रोसेस देखो कितना, आप टाइप कर रहे हो वर्ड में तो कितनी फास्ट चल रही है प्रोसेसिंग, वो फटाफट फटाफट नंबर रिलेट करती है, ये नंबर है, उस नंबर को 2 से डिवाइड करके सेव कर लेती है। तो इस तरीके से 0 1 1 0 0 1 करती रहती है, ठीक। तो नेक्स्ट है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट कुछ नहीं है, एक गेट है जो आइदर या तो सिग्नल को अलाउ करेगा या ब्लॉक करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, उसकी टेक्निक है। तो हम स्टार्ट करते हैं तीन बेसिक गेट्स से। तीन किस्म के बेसिक गेट्स हैं, पहला और गेट है, दूसरा एंड गेट है, और तीसरा नॉट गेट है। तीन बेसिक गेट्स हैं। तो अगर मैं सिंबल ड्रॉ करूं और गेट का, तो और गेट का सिंबल ये सिंबल है, और गेट का ये रहा, ये और गेट है। अगर मैं एंड गेट बनाऊं, एंड गेट, तो एंड गेट का ये सिंबल है। अगर मैं सिंबल बनाऊं नॉट गेट का, नॉट गेट का ये सिंबल है। ये तीन गेट्स के डायग्राम आपको याद रखने हैं। लेकिन ये है क्या चीज, इसके अंदर क्या है, अभी बस 5 मिनट में बताता हूं अंदर एक्चुअल क्या निकलेगा। ये तो आउटर कवरिंग है किसी भी गेट की, अंदर तोड़ के देखोगे तो मानोगे डायोड निकलेंगे, तो डायोड से बना होता है ये। पर हम क्योंकि इतनी डिटेल में वर्किंग में जा नहीं रहे, वो सिलेबस में रही भी नहीं, पहले होती भी थी, बट ये सफिशियंट है, शेप याद रखें। इसके अंदर दो वायर्स हैं, ये दो इनपुट सिग्नल लेंगी और कुछ काम करेंगी इनपुट सिग्नल के साथ, और ये हमें आउटपुट देगी। इसकी भी दो इनपुट्स हैं और कुछ प्रोसेस करके आउटपुट देगी। इसकी एक ही इनपुट सिग्नल है और प्रोसेस करके कुछ आउटपुट मिलेगी। अगर मैं और गेट की बात करूं, तो और गेट क्या करता है, दो इनपुट सिग्नल को लेगा, इन्हें ऐड करेगा और तुम्हें आउटपुट देगा। ये इसका फॉर्मूला कह सकते हो, एक्सप्रेशन है इसका। जो एंड गेट है वो क्या करता है, दो इनपुट्स लेता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता है और आउटपुट देता है। और जो नॉट गेट है वो क्या करेगा, ए का बार कर देगा, आपकी इनपुट को रिवर्स कर देगा, 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा। मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि ए और बी में, क्योंकि ये एक मशीन है, मशीन का कॉम्पोनेंट है, और ये बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तो ए की सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1। बी की सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे जो इनपुट इसमें जाएंगे, या तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1। मैथ सबने पढ़ा हुआ है, 0 और 1 का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये इनकी इनपुट सिग्नल है। अब देखो आउटपुट क्या है,
आउटपुट है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में क्या होगा, ये इन नंबर्स को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, क्योंकि और गेट है, ये ऐड करेगा। ये ऐड कैसे करेगा, देखो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, और वन प्लस वन टू, नहीं बोलना इसमें जीरो और वन ही अलाउड है, तो फिर ये क्या आएगा, जीरो तो होगा नहीं, ये वन होगा, तो आपने इसको वन प्लस वन वन ही बोलना है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है, ये जो एंड गेट है, एंड गेट में ये ए और बी है, और वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, और ऐसे ये क्या करेगा, ए की सिर्फ एक इनपुट है, बी तो है ही नहीं, जीरो या वन, अब ये क्या करेगा, वाई इज इक्वल टू ए बार, बार का मतलब जीरो का वन, वन का जीरो। तो ये एक टेबल है, ये इसका टेबल है, एंड का टेबल है, और ये और का टेबल है। इस टेबल में या तो वैल्यू जीरो है या वन है, इसलिए इसका नाम है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब या तो सच या झूठ, बीच में कुछ भी नहीं, प्योर सच प्योर झूठ, तो ट्रुथ टेबल, सच झूठ, सच वन झूठ जीरो, ऐसा बोलते हैं, तो जीरो वन ट्रुथ टेबल है। तो ये इनके ट्रुथ टेबल्स हैं, ये फॉर्मूला नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन है, और क्योंकि एक्सप्रेशन दो ही वैल्यूज लेता है, जीरो या वन, इसलिए इस एक्सप्रेशन का नाम है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन का मतलब जिसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है, तो ए और बी और वाई की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, तो ये बूलियन एक्सप्रेशन है, और ये ट्रुथ टेबल्स है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूलाज भी क्लियर है, एक्सप्रेशन भी क्लियर है, ट्रुथ टेबल भी क्लियर है। नेक्स्ट जो टाइप है, इसके अंदर अगर मैं स्टार्ट करूँ गेट में, बूलियन एक्सप्रेशन क्या है मैंने बता दिया, गेट और गेट कैसा दिखता है ये बता दिया, और गेट एंड गेट ऐसा दिखता है, और नॉट कैसा है ये भी बता दिया। नेक्स्ट है, किसी भी एक्सप्रेशन में जब हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर a प्लस बी हमेशा b प्लस ए के इक्वल है, ऑब्वियसली 0 प्लस वन भी 1 है, 1 प्लस जीरो भी 1 ही है, और ऐसी a इंटू बी, b इंटू ए के इक्वल है, तो ये लॉ ये फॉलो करता है। डबल कॉम्प्लीमेंट फंक्शन सुन लो, ये मैथ में भी करते हैं, a बार का बार विल गिव a, इसका मतलब अगर आप a लें, a की वैल्यू या 0 या 1 है, अगर आप a बार लें तो वैल्यू 1 या 0 है, अगर आप a का बार लें, यानी कि इसका भी उल्टा लें, 0 और 1 है, आप चेक करें ये दो वैल्यू सेम है, a और a बार बार सेम है, तो हम एक शॉर्टकट बनाते हैं, अगर किसी के ऊपर दो बार लगे हुए हैं, दे कैन बी कैंसल्ड, तो आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। डी मॉर्गन थ्योरम मैथ्स वाले पढ़ते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होती है, अगर a प्लस बी का होल बार है, कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसे ब्रेक करेंगे a बार b बार, लेकिन प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ऐसी अगर मल्टीप्लाई है, तो इसको जब ओपन करेंगे ए बार बी बार, तो मल्टीप्लाई किस में ओपन हो जाएगा, प्लस में। ये फॉर्मूला याद करने हैं, इसके अंदर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जैसे इसको यूज करना सिखाता हूं, यूज करना आना चाहिए। अगर ये ए बार प्लस बी बार का होल बार है, तो होल बार जो है वो डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, ए बार का बार, बी बार का बार, और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ए बार का बार कैंसिल, तो क्या आएगा, ए इंटू बी। ऐसे अगर ये मल्टीप्लाई है, तो ये बार जब डिवाइड होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, बार बार कैंसिल, तो ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक? तो कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसको यूज करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, अगर आप और गेट को तोड़ो, उसकी बाउंड्री को तोड़ो, उसके आउटर कवरिंग को तोड़ो, तो आपको ये डॉटेड पेपर में नहीं गिवन होगा, डॉट 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 तो शेप है ना, आप शेप से तो पहचान ही जाएंगे कि और गेट है, तो आपको ये शेप नहीं गिवन होगी, आप इसमें सिर्फ अंदर की ये फिगर गिवन होंगे, ऐसे चार फिगर गिवन होंगे, पूछेगा करेक्ट ऑप्शन मार्क करो, और गेट की कंस्ट्रक्शन बताओ कैसी है। तो और गेट के अंदर दो डायोड लगे होते हैं, एक रेजिस्टर लगी होती है, याद रखना है, अंदर की कंस्ट्रक्शन पक्का पेपर पेपर में आएगा, और नीट और मेन में भी आता है ये चीज़, ठीक है, यहाँ तक ये आएगी। नेक्स्ट है, इसका जो और गेट है, इसका एक ना एनालॉग सर्किट है, कि आप एक बेसिक सर्किट बनाओ जो और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख भी सकते हैं। तो और गेट के अंदर ए और बी, और फाइनल आउटपुट ए प्लस बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब 0 1 1 1 1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर इन दोनों में से दोनों स्विच ऑफ हैं, ऑफ का मतलब 0 एंड 0, तो आपका बल्ब ऑफ रहेगा 0, और अगर दोनों में से एक भी ऑन हो गया, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, दोनों में से एक भी ऑन हो गया, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, बल्ब ऑन हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1।
तो ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सर्किट जो है इसकी वर्किंग जो है वो और को रिप्रेजेंट करती है। उसी तरीके से एंड गेट है, एंड गेट को तोड़ के देखेंगे, ये शेप को मत देखें, अंदर उल्टे डायोड निकलेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, डायोड उल्टे होते हैं, और यहां पर भी इंपॉर्टेंट है 5 वोल्ट की बैटरी भी होती है, रेजिस्टेंस के साथ 5 वोल्ट की बैटरी भी है एंड में, तो इसकी कंस्ट्रक्शन पक्का याद करनी है, आएगी पेपर में, ठीक है यहां तक। और ऐसी इसका जो अगर मैं एनालॉग सर्किट की बात करूं तो इसके एनालॉग सर्किट को ऐसा बनाया जाएगा कि जैसे ये ए है, ये ए है, ये बी है, और ये ए इंटू बी है, 0001 1011 में इन्हें मल्टीप्लाई करो तो ऐसा निकलेगा। आप चेक करो, अगर दोनों के दोनों, दोनों में से दोनों के दोनों जब तक ऑन नहीं है, बल्ब ऑन नहीं होगा, अगर एक भी ऑफ है, एक भी जीरो है, तो बल्ब हमेशा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, जीरो मीन्स ऑफ, दोनों को ऑन करके ही बल्ब ऑन होगा, नहीं तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट है आपका नॉट गेट, जो नॉट गेट है उसकी कंस्ट्रक्शन याद रखो, उसमें ट्रांजिस्टर लगता है जो अब सिलेबस में नहीं रहा, तो लेकिन इसकी शक्ल तो याद करनी पड़ेगी इमेज, तो ये ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, और ये रेजिस्टर है, और ये 5 वोल्ट की बैटरी भी है, तो ये भी पेपर में आ जाता है इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जस्ट ऑब्जेक्टिव आएगा, कोई सब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं है, बस 4 ऑप्शन देगा और आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, इसकी आउटर कवरिंग नहीं देगा, आउटर कवरिंग से पहचान लोगे नॉट गेट है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद इसका जो एनालॉग सर्किट है वो कुछ ऐसा बनता है, इसमें ये इसलिए ऐसा बनता है कि अगर ए जीरो है, मतलब आपने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो करंट बल्ब में से पास होगा तो बल्ब वन हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, अगर ये जीरो है तो बल्ब ऑन हो जाएगा वन, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं वन तो सारा करंट यहीं से पास हो जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इसका सर्किट है। तो कितने गेट किए हमने, 3, कौन से, और एंड नॉट, और उसके बाद जो नेक्स्ट गेट है वो नैंड गेट है। नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट, ये एंड गेट है और ये नॉट गेट है। नैंड गेट क्या करता है, 2 इनपुट को मल्टीप्लाई कर देता है तो ए इंटू बी देगा, नॉट गेट क्या करेगा, ए इंटू बी का क्या कर देगा, बार कर देगा, इसके ऊपर बार लगा देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इन 2 गेट्स की जगह आप एक गेट लगाएं, 2 गेट्स की जगह एक गेट लगाएं, मतलब ये बनाना और ये बनाना एक ही बात है। तो नैंड गेट है, नैंड गेट देखने में ऐसा होता है, आप एंड के साथ या नॉट लगा दें एक ही बात है। तो आज की बात ये डायग्राम नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये ए और ये बी, तो नैंड गेट क्या करता है, ए इंटू बी का बार, ये इसका फाइनल आंसर है। आपको फॉर्मूला याद करना है, ए और बी 0001 1011, ए इंटू बी का मतलब क्या है, 0001, और तुमने क्या बनाना है, ए इंटू बी का बार, तो 111 और 0, ये इसका ट्रुथ टेबल है। तो कैसे बनेगा ट्रुथ टेबल समझ में आ रहा है, पहले ए इंटू बी बनेगा, फिर ए इंटू बी का बार बन जाएगा, तो ये इसका ट्रुथ टेबल है, कोई डाउट इसमें। तो नैंड गेट है, नैंड गेट के बाद जो आपका गेट है उसका नाम है नॉर गेट, ये नॉर गेट है। नॉर गेट क्या करेगा, और गेट, और गेट क्या करता है, ए प्लस बी, नॉट में पास कर दो तो क्या बनेगा, ए प्लस बी का बार। तो तुम नॉर गेट में 2 गेट बनाने की बजाय आज के बाद ये बनाओ, तो इसका जो आउटपुट लिखो, ए प्लस बी का बार। तो नैंड का क्या फॉर्मूला था, ए इंटू बी का बार, नैंड गेट का फॉर्मूला ए इंटू बी का बार, नॉर गेट का फॉर्मूला ए प्लस बी का बार। तो अगर ट्रुथ टेबल बनाना हो, ए और बी लिख लो 0001 1011, ए प्लस बी लिख लो 0111, ए प्लस बी का बार उल्टा कर दो 100 और 0, तो ये बन जाएगा इसका ट्रुथ टेबल। मतलब याद तो कुछ करना ही नहीं ना, अगर आपको फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का बार, तो मेरे ख्याल से ये तो टॉपिक अपने आप ही तैयार हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है। और आखिरी गेट जो आज हमने करना है उसका नाम है एक्स और गेट। एक्स और गेट 5 गेट्स का कॉम्बिनेशन है, एक गेट नॉट गेट है, एक एंड गेट है, एक और गेट है, एंड गेट है, और 2 नॉट गेट्स हैं। ये क्या करेंगे, ये ए इनपुट है, नॉट गेट ए बार बाहर निकालेगा, यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये इनपुट ए देगी, यहाँ से ये इनपुट बी है, यहाँ से ये इनपुट बी है, और क्योंकि नॉट गेट है तो ये क्या देगा, बी बार। एंड गेट क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ पे क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई, और गेट क्या करेगा, और गेट ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए, ये इसका फॉर्मूला है। तो
जिसका फॉर्मूला है एक्स और गेट का, वो ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए है। पांच गेट्स याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये इसका डायग्राम है, ए और बी इस टाइप का गेट एक्स और गेट है। तो वाई का फॉर्मूला याद करेंगे ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए, ठीक है यहाँ तक? तो पांच गेट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि एक्स और गेट का क्या फॉर्मूला है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, इसके अंदर जो आपका ट्रुथ टेबल बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यूज बहुत काम की हैं। तो देखते हैं ट्रुथ टेबल के अंदर ऐसा बनेगा, ये ए है ये बी है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। हमें क्या चाहिए? हमें पहले ए बार चाहिए, इसको उल्टा कर दो 1 1 0 0। हमें बी बार चाहिए, इसको उल्टा करो 1 0 1 0। हमें ए बार इंटू बी चाहिए, तो ए बार और बी को मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 0 0। फिर हमें बी बार इंटू ए चाहिए, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 0 इज 0। और लास्ट में ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए चाहिए, तो इन्हें ऐड करो 0 और 0 विल गिव 0, दिस विल गिव 1 दिस विल गिव 0। काम की चीज सुनो, ऑब्जेक्टिव में जो काम आएगी वो ये काम आएगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, कि अगर आपकी इनपुट सेम है 0 0 1 1, इनपुट सेम देख रहे हो 0 0 1 1, तो आपका आंसर 0 है आउटपुट में, और इनमें से कोई भी वैल्यू डिफरेंट है तो आपका आंसर 1 है। तो वो पूछ लेगा शक्ल देख के बताओ कौन सा गेट है, तो पता लग जाएगा ये XOR गेट है। बाकी गेट तो छोटे हैं, वो तो वही कैलकुलेशन करके हो जाएंगे, ये बड़ा है। तो इसका ट्रुथ टेबल आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपना आंसर निकाल पाएंगे।